Assalamualaikum guys and welcome back to another vlog. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आज हमने आउट ऑफ सिटी जाना है और मैं थोड़ी देर पहले ही उठा और उठते सार मुझे इतने सारे काम करने पड़े हैं और मैं उस दौरान व्लॉग नहीं कर सका. तो अब फाइनली हम जा रहे हैं और मैं जो है गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ. एक गाड़ी मैं निकालूंगा, फिर एक गाड़ी भाई निकाल लेंगे, फिर हम उस पर जाएंगे. तो फिर रास्ते में जो जो होगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा दिखाने की. और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो भावलपुर ज़ू जाया जाए. वैसे मैंने पूछा नहीं है उनसे कि वो ओपन भी है या नहीं, हो सकता है वो बंद हो. तो वहाँ जाके जी आपसे मुलाकात होगी. फिर मुलाकात तो अभी भी हो गई है, वहाँ जाके एक दफ़ा दोबारा हो जाएगी आपसे मुलाकात. तो सारा सफ़र आपको दिखाएंगे, आपको भी हम सफ़र में अपने साथ लेकर जाएंगे. भाई कहते हैं मेरे ग्लासेस उठा लो. कैसे लगते हैं ये मेरे भाई के ग्लासेस हैं. गर्मी बहुत है यार, बाहर बहुत ज़्यादा हुई हुई है, अच्छी खासी हीट है आज बाहर. हाँ हम डार्क डार्क में आ गए. तो गाइस फिर हम फाइनली पहुंच गए हैं मुल्तान के रश वाले इलाके में, जो कि है मुल्तान का बस स्टैंड. अब ये जो न्यू खान वाला है हमें रास्ता नहीं दे रहा कि जल्दी से हट जाओ और हमें आगे जाने, तो ये हमें अपने पीछे लगाई खड़ा है और हम वेट कर रहे हैं. हट जा यार, जाओ, हमें भी जाने दो, हमें भी जल्दी है. जनाब हम अब लोधरा सिटी जो है पहुंच गए हैं. अभी थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ आएगा वेलकम टू लोधरा, वो दिखाते हैं आपको. ओ ये तो फाटक बंद है. फाटक बंद है, ट्रेन आएगी अब यहाँ से. कहाँ से आएगी, किस साइड से आएगी? अभी ट्रेन या तो यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी. वो लोग तो वो परवाह ही नहीं कर रहे, वो तो नीचे से आई जा रहे हैं, बाइक गुजारे जा रहे हैं लोग. तो ये सारे जो लोग उतर उतर के आ रहे हैं ना, ये इसके फाटक के नीचे से गुजर गुजर के आ रहे हैं. चलोगी गुजर के, फाटक खोलो जी, फाटक खोलो. ये आ गया जी वेलकम टू लोधरा सिटी. ये अब हम सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं. सो गाइस वी अराइव्ड एट लोधरा सिटी और शुक्र है कि सिटी में एंटर होते सारी हम जो हमने जाना था, जिस जगह पे जाना था वो साथ ही थी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा.
अच्छा सफर मैंने इसलिए नहीं दिखाया, बहुत छोटे छोटे क्लिप्स मैंने किए हैं, क्योंकि सफर जो है वो बहुत ही बोरिंग था, और उसकी वजह यह है कि इस रोड से मैं बहुत दफा गुजरा हूँ, तो मुझे बोरिंग लग रही थी, तो मैंने शायद सोचा आप लोगों को भी बोरिंग लगे। और दूसरा रीज़न ये है कि ड्राइव मैं कर रहा था, मेरे भाई जो साथ हैं उनको बार बार कॉल्स आ रही थी, उन्होंने कहा ड्राइव आप करो, तो रास्ते में हम कहीं रुके तो फिर उन्होंने मुझसे गाड़ी ले ली कि तुम्हें जगह नहीं पता कहाँ जाना है, तो मैं फिर ड्राइव करता हूँ। तो उसके बाद फिर हम वैसे ही सिटी के अंदर एंटर हो चुके थे या होने वाले थे, थोड़ा सा ही रह गया था, तो फिर मैंने कहा अब क्या मैं दोबारा ड्राइव करूं या दोबारा वीडियो बनाऊं, सॉरी दोबारा ड्राइव नहीं दोबारा वीडियो शूट करूं। तो रास्ते में जो जो मुझे स्टॉप होते रहे वहां मैं वीडियो जो है शूट करता रहा। तो जनाब अब यहां से, यहां इतनी देर का काम नहीं है, तो पॉसिबल है कि हम यहां से जो है बहावलपुर जू जाएं, वो कल मैंने बताया था ना कि वो शायद की बात है, पक्का नहीं है, पक्का हुआ तो फिर जाएंगे और मज़े करेंगे वहाँ पे। तो अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ अकेला, कोई भी नहीं है मेरे साथ, अब बैठ के जो है कोई टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जनाब हुआ कुछ ऐसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको ये बताया था कि कल यानी कि आज मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, तो हम लोग ना लोधना गए थे, लोधना एक सिटी है मुल्तान के करीब है, तो वहाँ से बहावलपुर मेरे ख्याल में कोई 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर होगा, तो मैंने ये सोचा था कि वहाँ से हम लोग जू ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो मेरे इतनी दफ़ा कहने के बावजूद वो बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने लिख दिया था मेरी किस्मत में कि ये नहीं जाएगा वहाँ, और हम लोग नहीं गए। अच्छा लेकिन अच्छा ही हो गया नहीं गए, क्योंकि ना एक तो कोरोना है, दूसरा ये कि ये भी हो सकता था कि वो बंद हो। तो गाइस मेरा छोटा सा मैसेज ये है कि आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हो, क्योंकि ये मेरे लिए YouTube जो है ये एक बहुत न्यू प्लेटफॉर्म है, मैं आज तक इससे पहले कभी भी अपनी शक्ल सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई मैंने, तो अब मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे इस मेहनत का क्या फल मिलता है, तो अब मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ जाके प्लीज़ सब्सक्राइब को दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरे वीडियोस को शेयर करें अगर आप कर सकते हैं तो, और दूसरा ये कि थम्स अप दिया करें और अपनी बातें जो है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा व्लॉगिंग में, मैं कोई जगह एक्सप्लोर करूँ तो मैं करूँगा जाके कुछ, और अगर आप ट्रैवल ब्लॉग्स तो जाहिर सी बात है मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं जाऊंगा किसी जगह तो ही ब्लॉग बनाऊंगा ना, स्पेशल ब्लॉग बनाने के लिए तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आई होप सो कि आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे मेरे वीडियोस जो के ट्रैवल ब्लॉग्स हो के, और दूसरा वो मैंने एक्शन कैमरा तो लिया है मोटर ब्लॉगिंग के लिए, तो वो सून आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट्स उसके, तो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ आज फिर से। अच्छा चले बाहर चलते हैं, बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, चलो अच्छा व्यू है बाहर का, मैं अपने ऑफिस में हूँ ना इस टाइम। ओह तौबा यार सुभान अल्लाह। अच्छा वो मेरे उसमें तो नज़र नहीं आता, ये चांद नहीं है वो चांद है, वो लाइट है। ओह अच्छा तो ये ना मेरे ख्याल में 30th का मून है, और सॉरी 15 days का होता है ना, मतलब ये फुल मून है, या मेरे ख्याल में कल फुल मून होगा, लेकिन कल भी जब मैं छत पे ऊपर आया था, वैसे तो मैं रोज़ आता हूँ और मैं यही बात रोज़ अपने व्लॉग में भी बताता हूँ। अच्छा उसकी सबसे बड़ी बात वजह ये है कि मैं जो हूँ ना घर से ज़रा कम बाहर निकलता हूँ, ज़्यादा मैं घर पे ही रहता हूँ, तो और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे वीडियोज़ भी बहुत कम बनाता हूँ, इसलिए आपको मेरे सारे व्लॉग्स देख के लगेगा कि यार ये तो बंदा बिल्कुल ही अनहैप्पी टाइप का बंदा है और एंटी सोशल है, ये तो बाहर ही नहीं निकलता,
लेकिन ऐसी बात नहीं है, बाहर मैं जाता हूँ लेकिन बाहर जाके ना मैं व्लॉगिंग करनी भूल जाता हूँ। तो अब भी आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी मुझे। अरे यार ये व्यू माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ पे करते हैं कट। गाइस यहाँ हुआ जाता है इस ब्लॉग का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को थम्स अप दें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।